जय मसीह की, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के आज के इस दिन में जबकि हम उनकी उस कामिल कुर्बानी को याद कर रहे हैं और उनकी उन वाणियों के ऊपर हम मनन कर रहे हैं जो उनके मुख से निकली जब उनको स्लीप पर चढ़ा दिया गया। इस सिलसिले में हमने तीन वाणियों को देख लिया है और अब हम चौथी वाणी पे आ पहुंचे हैं। चौथी वाणी को पढ़ने के लिए हमें निकालना पड़ेगा मत्ती सुसमाचार का 27 अध्याय उसकी 46वीं आयत। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय उसकी 46वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोबारा पढ़ देता हूं इसे मैं। तीसरे पहर के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पे अजीजों आप देख रहे हैं कि बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें समझना ही पड़ेगा मेरे अजीजों कि क्यों किसी व्यक्ति की जो आज से 2000 साल पहले मार दिया गया सलीब पर चढ़ा दिया गया, उसका मरना, उसकी मृत्यु आज तक हमारे लिए मायने रखती है। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से यीशु मसीह का मारा जाना उनके मारे जाने के बाद से आज तक की जनरेशन के लिए और आने वाली, मेरा ईमान है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा एक डीप अर्थ रखता है, एक गहरा मायना रखता है। लेकिन आज हमें समझना ये पड़ेगा मेरे अजीजों कि इस एक कथन के द्वारा यीशु मसीह ने कहा क्या। वो जो गहरी जो है वेदना थी, वो जो गहरी जो वो दर्द था जो प्रकट कर रहे थे, वो किस चीज को दर्शाता है मेरे अजीजों। जब आप इसको थोड़ा सा मनन करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि थियोलॉजियंस ने जो है, धर्म विज्ञानी लोग जो है जिन्होंने धर्म को बाइबल का जिन्होंने अध्ययन किया, जिनके ऊपर बहुत सारी, जिसके बारे में जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी हैं, उनका एक चीज को मानना है कि इसको डिवाइन एक्सचेंज के तौर पे जाना जाता है। डिवाइन एक्सचेंज जहां पे परमेश्वर ने बहुत कुछ अपने इस जगत के लिए खो दिया, लेकिन बदले में उसके पास कुछ भी नहीं इसको मिला, क्योंकि पाने के लिए, जगत के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं परमेश्वर को, सिवाय इसके कि हम अपने उन गंदे कामों को, अपने उन बुरे कामों को, उन बुरे सोच विचारों को त्याग देते जो जिनकी वजह से खुदा ने अपने बेटे को जगत के अंदर हमारे लिए भेजा था। एक जर्मन थियोलॉजी ना जिनका नाम है बॉन हॉफर, वो इसको बोलते हैं चीप ग्रेस एंड द कॉस्टली ग्रेस। उसको अपनी इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि गॉड हैड टू बेयर एवरीथिंग ही हैड, परमेश्वर को सब कुछ दे देना पड़ा जो कुछ उसके पास था, और उसके पास उसका इकलौता बेटा था जो कि पाप था, जो पाप रहित था, जो खुदा में से खुदा था, राइट। परमेश्वर को वो दे देना पड़ा, वेयर एज He did not get anything in return. और इसके बदले में उनको मिला कुछ भी नहीं, इसलिए इसको चीप ग्रेस एंड कॉस्टली ग्रेस के तौर पे जाना जाता है। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं कि ये किन चीजों का बखान करते हैं, किन चीजों की व्याख्या करते हैं, तो थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, दो बिंदुओं के जरिए मैं समझाऊंगा आपको। पहली चीज जो है, इट वॉज अ क्राई ऑफ लोनलीनेस, वो एक जो है अकेलेपन को दर्शाने वाली एक गुहार थी। यीशु मसीह अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी आप पाएंगे कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, इंजीलों को जब आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे इस चीज को कि खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर उनके मुख पे, बाइबल में जो लिखी हुई बातें, जो पुराने नियम में जो लिखी हुई बातें थी, वो उनके मुख पे रहती थी। अक्सर उनके मुख से आप इस चीज को सुनेंगे, जब शैतान ने उनकी आजमाइश करी थी तो खुदावंद ने उनके मुख से निकलने वाली वाणी जो थी वो बाइबल की ही वो बातें थी, वो नबियों के द्वारा कही हुई बातें थी जिनके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को परास्त किया था, उसको जो है पराजय करा था। और अपने इस मोमेंट पे भी बहुत से जो है धर्म विज्ञानी, उनका मानना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वचन को ही कोट किया है, और एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही हमारे को देखने को मिलता है जब आप भजन 22 पढ़ते हैं। भजन 22 उसकी पहली आयत देखेंगे, वहां पे ये लिखा हुआ है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहां है। यहां पे आप पाएंगे मेरे अजीजों की जब भजनकार इस अपनी गहरी वेदना को प्रकट कर रहा है तो इसका कंटेक्स्ट भी एग्जैक्ट कुछ वैसा सही है जैसे यीशु मसीह का इस चौथी वाणी के दौरान है। जब आप इस भजन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो सामिस्ट है, भजनकार जो है, वो अपने उस दर्द को प्रकट कर रहा है जो कि अकेलेपन की, उसकी अकेलेपन की वजह से उसके जीवन में आ गया है, और इस सफरिंग में, इस हॉस्टिलिटी में सामिस्ट जो है गुहार लगाता है परमेश्वर के सम्मुख, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब हम इस पूरे साम को पढ़ते हैं, आप एक और चीज पाएंगे कि इस पूरे साम में परमेश्वर कहीं पर भी उत्तर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली जीसस अपने आप को इस
शायद शाम के साथ रिलेट कर लेते हैं और कुछ किसी प्रकार की वेदना वहां पे बोलते हैं क्योंकि उनको भी अकेलेपन से होकर के गुजरना पड़ रहा है। आप देखेंगे वहां पे पाएंगे कलाम के अंदर जिक्र आता है कि कुछ महिलाओं को छोड़कर उनके बिलवर्ड डिसाइपल उनका जो सबसे चहिता चेहरा था उसको छोड़ करके वहां पे कोई नहीं था खुदा यीशु मसीह के साथ। उनके इस सबसे भारी लम्हे के अंदर जब वो अपना प्राण त्यागने पर है उनके साथ कोई नहीं था वहां पे सिवाय कुछ महिलाओं चंद महिलाओं को छोड़ के और उनके बिलवर्ड डिसाइपल को छोड़ के। उनके वो चेहरे जिनको खुदा यीशु मसीह ने अपना दोस्त कहा अपना मित्र कहा वो भी उनको छोड़ करके भाग गए डर के मारे जो है कहीं जाके छुप गए। उनके जो तीन खास चेहरे थे जिनका नाम था पत्रस याकूब और यूहन्ना जिन्होंने यीशु मसीह के साथ ट्रांसफिगरेशन देखा था जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जाते हैं प्रार्थना करते हैं तो वहां पर उनका दिव्य रूपांतरण हो जाता है और उन तीन चेहरों ने उसको विटनेस किया था उन्होंने देखा था और वहां पे एक बात भी सुनी थी कि आसमान में से एक बात आती है और बोलती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनना इसकी सुनो। वो तक उसको छोड़ करके चले गए और एक वो ऐसा लम्हा आता है जहां पे उनको सलीब पर चढ़ा दिया जाता है जहां पे हर कोई जो भी उनको देख रहा है उनका मजाक कर उनको ठट्टा कर रहा है उनको श्रापित में से गिन रहा है। इवन जो उनकी सलीब जो दी गई वो भी क्रिमिनल्स के साथ उनको दी गई। और यहां पे एक और चीज पाएंगे जीसों की अंधकार ने पूरे जगत को छा लिया और इस गहरी वेदना में परमेश्वर भी कहीं पे उनको नजर नहीं आ रहा है इसलिए वो चिल्लाते हैं इसलिए वो रो पड़ते हैं और बोलते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरी वजह जिसकी वजह से परमेश्वर को ये बात बोलनी पड़ी बड़ी खास वजह है मेरे जीजों और उसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है सवाल आकर के वहां खड़ा हो जाता है। दूसरी वजह यह है मेरे जीजों इट वॉज अ क्राई ऑफ एक्सप्रेसिंग द ग्रेविटी ऑफ सिन पाप की गहराई क्या है पाप का प्रहार क्या है उसके बारे में हमारे पता था। आप सोच करके देखिए मेरे जीजों की खुदावन ने इतना बड़ा महान कार्य रच दिया कि उसने अपने बेटे को जगत के अंदर भेज दिया और उस बेटे ने इस दुनिया के अंदर आकर के एक एक दिन अपना एक एक समय एक एक लम्हा उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए बिताया और पिता की ही मर्जी थी। खुदावन यीशु मसीह ने एक दुआ करी थी ना कि हे मेरे पिता यदि तेरी मर्जी हो तो ये प्यारा मुझसे कर जाए। खुदावन यीशु मसीह ये बोलना चाह रहे थे कि खुदावन यदि कोई और रास्ता हो कि मैं बच जाऊं या तू बच जाए या ये जगत के लोग बच जाएं पादरी अभय बच जाएं तो कुछ और तरीका बना ले लेकिन तब भी अगर तू ये चाहता है कि मेरे मारे जाने से ही रास्ता बने तो भी तेरी मर्जी पूरी हो। ग्रेविटी ऑफ सिन आप समझिए मेरे चीजों कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता की मर्जी को एक एक दिन पूरा किया एक एक दिन अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उनके दिल के अंदर एक फितूर रहा और पिता की ही मर्जी थी कि वो सलीब पर चढ़े आज वो लम्हा आ जाता है कि पिता ने ही उसे छोड़ दिया पिता ही उससे आज विमुख हो गया। ये ग्रेविटी ऑफ सिन है मेरे जीसस के पीछे वजह ये थी कि सारे जगत का पाप उसके ऊपर ला दिया गया और पाप एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है। याद रखिएगा इस चीज को मेरे जीसस द चीप ग्रेस एंड द कॉस्टली ग्रेस ये आपके लिए मुफ्त जरूर है लेकिन सस्ता बिल्कुल भी नहीं क्योंकि किसी ने बहुत भारी कीमत चुकाई है कोई बहुत बड़े वियोग में से होकर के गुजरा है ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के साथ मिल जाएं उस परमेश्वर तक पहुंच जाएं जो आपको मोक्ष देने का आपको अपने साथ रखने का अपने साथ लिए चलने का वादा है। तो जब हम इस वाणी के ऊपर मनन करते हैं मेरे चीजों तो पाप के विषय में जरूर से आप जो है सचेत हो जाएं और इस वजह को समझ लें कि परमेश्वर ने पाप को लेकर के इतना ज्यादा सीरियस है परमेश्वर के अपने बेटे को भी दिखाना चाहा जो उसी की मर्जी के लिए जगत के अंदर था। It was the cry of expressing the gravity of sin. लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि for whom did Jesus die? खुदा यीशु मसीह मरे किसके लिए? क्या वो सिर्फ ईसाइयों के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे? क्योंकि ईसाइयों ने खुदा यीशु मसीह को बहुत ज्यादा पर्सनल बना लिया ना हमने क्योंकि हम ये हमारा ये मानना है कि खुदा यीशु हमारी जो है निजी प्रॉपर्टी है हमारा जो है एकाधिकार है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है मेरे चीजों जब आप पहला यूहन्ना उसका दो अध्याय की दूसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक ही बार जगत के प्रायश्चित के लिए कुछ ऐसा काम किया था कुर्बान होने के लिए कि उसको पढ़ दूंगा उसको आपके लिए। खुदा का कलाम आप बड़े साफ शब्दों में एक चीज को बोलता है जिसको हमें से हर एक को जो भी खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका दो अध्याय दूसरी आयत देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है और वो ही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का भी। दोबारा पढ़ूंगा और वो ही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का भी। तो स्टॉप बिलीविंग कि खुदा यीशु मसीह आपकी निजी प्रॉपर्टी है
ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, उसने प्राण दिया है सारे जगत के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था, इस विश्व से ऐसा प्रेम किया था कि उसने कुल जगत के लिए अपना बेटा दिया। तो इसलिए उसका मारा जाना भी, उसका तन्हा होना भी, उसका तकलीफ उठाना भी सारे जगत के लिए था। वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं आया है, वो सारे जगत के लिए आया है। हर कोई जो उस पर ईमान लाता है बच जाता है और इस वियोग से छूट जाता है। मेरे मेरा ईमान है कि परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, जब आप इसके ऊपर मनन करेंगे और इस नजरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको और सारे आयामों के ऊपर ले चलेगा, बहुत सारी डायमेंशन आपको सिखाएगा। मेरा ईमान है कि इसके जरिए से आपको आशीष मिलेगी, खुदावंद आपको आशीष देगा। आमीन।